हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे प्रोसीजर के बारे में। सो प्रोसीजर इज वेरी सिमिलर टू अ फंक्शन एंड हैज़ द सेम बेसिक पर्पस। तो लाइक फंक्शन को जैसे हम कॉल करते हैं, एक फंक्शन हमने डिफाइन किया पॉजिटिव अंडरस्कोर एच, और जब भी हम क्लॉक को प्रोसेस कर रहे थे तो हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे थे और डी फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से हमने देखा कि हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। ओके प्रोसीजर भी सेम हम देखेंगे अभी एक एग्जांपल की हेल्प से। प्रोसीजर कैन रिटर्न मोर देन वन वैल्यू, और प्रोसीजर को डिफाइन करने के लिए भी हमें दो चीज़ें यूज़ करनी है, एक प्रोसीजर बॉडी जैसे हमने फंक्शन बॉडी यूज़ किया था और एक प्रोसीजर कॉल। सो टू पार्ट्स आर नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट एंड यूज़ अ प्रोसीजर। द प्रोसीजर इटसेल्फ दैट इज़ कॉल्ड प्रोसीजर बॉडी एंड सेकेंड इज प्रोसीजर कॉल। ओके तो ये जल्दी से देखते हैं प्रोसीजर बॉडी यानी जो सिंटेक्स है उसका वो क्या है। तो प्रोसीजर प्रोसीजर नेम लाइक फंक्शन फंक्शन नेम पैरामीटर लिस्ट इज डिक्लेरेटिव पार्ट बिगिन सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स एंड प्रोसीजर नेम। तो बिल्कुल सेम फंक्शन बॉडी की तरह ही है प्रोसीजर को डिक्लेयर करना। अब हम देखते हैं कि प्रोसीजर को कैसे हम अगर मेन कोड में रिप्रेजेंट करें या फिर हम उसे पैकेज में डिफाइन करें तो कैसे हम कोड को डिफाइन करेंगे। सेम जैसे हमने फंक्शन को डिफाइन किया आर्किटेक्चर के अंदर, देन हमने उसे यूज़ किया वहीं, तो वो आपका मेन कोड में डिफाइन होगा। और अगर हमने एक सेपरेट पैकेज बनाया, पैकेज बॉडी को डिफाइन किया और उसके बाद उसे हम मेन कोड में यूज़ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सम वर्क लाइब्रेरी जिसको नाम दिया हमने माई पैकेज, तो वो आपका प्रोसीजर दैट इज यूज्ड इन अ पैकेज। ओके सो फर्स्ट हम बात करेंगे प्रोसीजर लोकेटेड इन दी मेन कोड। सो हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं शॉर्ट करने का। दो इनपुट्स हैं, इनपुट वन एंड इनपुट टू, और हम उन्हें मिनिमम मैक्सिमम के हिसाब से शॉर्ट करेंगे। ओके तो देखिए डिफाइन किया हमने लाइब्रेरी आई ट्रिपल ई यूज़ आई ट्रिपल ई डॉट स्टैंडर्ड अंडर स्कोर लॉजिक अंडर स्कोर 1164 डॉट ऑल। देन हमने एंटिटी डिक्लेयर किया, एंटिटी का नाम दिया जेनेरिक। हम इसको थ्रू आउट दी आप कह सकते हैं कोड में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, जेनेरिक का जो सेंस होता है वो जो यूज़ होता है वो यही होता है। ओके सो लिमिट हमने नाम दे रखा है, तो लिमिट को हम एक डिफाइन कर रहे हैं 255। ओके सो जो भी मैं लिमिट की वैल्यू यहाँ चेंज करूँगा, लाइक मैं अगर इसे 200 करता हूँ तो वो 0 to 200 हो जाएगा, 225 करूँगा तो 0 to 225 हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ यहाँ चेंज करना है और थ्रू आउट द कोड उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी, इसलिए हम यहाँ पे जेनरिक यूज़ कर रहे हैं। ओके देन हमने पोर्ट डिफाइन किया इनेबल, जो उस कंपोनेंट को या आप कह सकते हैं उस सर्किट को इनेबल करेगा। वो इन है इनपुट टाइप है और बिट उसका डेटा टाइप है। दो और इनपुट से आपके इनपुट वन इनपुट टू जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं, इनपुट टाइप है और उनकी रेंज 0 to लिमिट है। मिनिमम आउट मैक्सिमम आउट दो आउटपुट हैं आपके जिनकी जिनका डेटा टाइप इंटीजर है और जिनकी रेंज 0 to लिमिट यानी लिमिट जो आपने डिफाइन की है दैट इज 255 तक हो सकती है। ओके देन एंड मिनिमम मैक्सिमम आपने एंटिटी को एंड कर। सो दो इनपुट जिनकी रेंज 0 to 255, दो आउटपुट जिनकी रेंज 0 to 255, क्योंकि हमने मैक्सिमम यहाँ पे मैक्सिमम क्या जो हमने जेनरिक की वैल्यू दे रखी है वो 255 दे रखी है। इनेबल एक इनपुट है दैट इज ऑफ बिट टाइप 0 और 1। ओके अब बात करते हैं आर्किटेक्चर की। तो अभी हम यहाँ पे मेन कोड में प्रोसीजर को डिफाइन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम उसे कहाँ डिफाइन करेंगे आर्किटेक्चर के अंदर। तो देखिए प्रोसीजर प्रोसीजर नेम क्या नेम है शॉर्ट। ओके पैरामीटर लिस्ट सिग्नल इनपुट वन इनपुट टू इन इंटीजर रेंज 0 to लिमिट जो हमने यहाँ पर डिफाइन करे हैं, और दूसरा सिग्नल मिनिमम मैक्सिमम आउट इंटीजर रेंज 0 to लिमिट। तो ये हमारे चार सिग्नल हैं इनपुट वन इनपुट टू मिनिमम और मैक्सिमम। इज बिगिन देन सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स इफ इनपुट इज ग्रेटर देन इनपुट टू देन मैक्सिमम इज लेस देन इक्वल टू इनपुट वन मिनिमम इज लेस देन इक्वल टू इनपुट टू। तो डेफिनेटली अगर इनपुट वन की वैल्यू इनपुट टू टू से ज़्यादा है तो मैक्सिमम में इनपुट वन जाएगा और मिनिमम में आपका इनपुट टू जाएगा।
ओके सो मैक्सिमम इनपुट वन, मिनिमम इनपुट टू, एल्स कंडीशन होगी आपकी, अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली मैक्सिमम आपका इनपुट टू हो जाएगा और मिनिमम आपका इनपुट वन हो जाएगा. देन एंड इफ और एंड प्रोसीजर नेम, तो प्रोसीजर का नाम क्या है यहाँ पे, शॉर्ट. क्लियर. अब आप आर्किटेक्चर को बिगिन करेंगे, बिगिन किया आपने, देन प्रोसेस किया, एनेबल को आप प्रोसेस कर रहे हैं, देन प्रोसेस को बिगिन किया आपने इफ इनेबल इक्वल टू वन. सो अगर इनेबल की वैल्यू वन है, आपका सर्किट अगर ऑन स्टेट में है इनेबल करके, देन शॉर्ट. तो ये आपका प्रोसीजर का नाम है जो आपने यहाँ पे कॉल कराया. सो शॉर्ट इनपुट वन, इनपुट टू, मिनिमम आउट, मैक्सिमम आउट, एंड इफ एंड प्रोसेस एंड माई आर्किटेक्चर. तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे हम प्रोसीजर को यूज कर रहे हैं मेन कोड में. क्लियर. अब देखिए इसको हम डिफाइन करते हैं पैकेज और पैकेज बॉडी. सो देन हम उस पूरे पैकेज को एक वर्क लाइब्रेरी में डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन करेंगे और देन हम उसको यूज करेंगे. तो सिंपल, जैसा हमने फंक्शन यूज किया था, पहले आप अपना पैकेज डिफाइन करेंगे. पैकेज डिफाइन करने के लिए आपने लिखा लाइब्रेरी IEEE यूज IEEE स्टैंडर्ड लॉजिक 1164. पैकेज का नाम दिया, दैट पैकेज नेम इज माई पैकेज इज कॉन्स्टेंट लिमिट इंटीजर 255. ओके सो आप एक जेनरिक की जगह अब एक कॉन्स्टेंट नाम दे रहे हैं और वो कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी है, 255. डेटा टाइप क्या है उसका, इंटीजर, नाम है उसका लिमिट. देन आपने प्रोसीजर शॉर्ट सिग्नल इनपुट वन इनपुट टू इन इंटीजर रेंज 0 टू लिमिट, आउट इंटीजर रेंज 0 टू लिमिट, एंड माय पैकेज. तो आपने पैकेज डिफाइन कर दिया. अब अगर आप प्रोसीजर यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पैकेज बॉडी डिफाइन करना होगा. सो आपने पैकेज बॉडी डिफाइन किया ऑफ माई पैकेज इज प्रोसीजर शॉर्ट. ये हम पढ़ चुके हैं, सिंटेक्स में जाकर आप देख सकते हैं पैकेज की कैसे उसको डिक्लेयर किया जाता है. देन सिग्नल इज बिगिन, कंडीशन आपने ली इफ इनपुट वन ग्रेटर देन इनपुट टू, देन मैक्सिमम की वैल्यू वहां पे असाइन होगी इनपुट वन में और नहीं तो मिनिमम की वैल्यू असाइन होगी इनपुट टू में. ओके अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो मैक्सिमम में जाएगी इनपुट टू की वैल्यू, मिनिमम में जाएगी इनपुट वन की वैल्यू. देन आपने उसको एंड इफ किया, एंड शॉर्ट मीन्स प्रोसीजर नेम, एंड शॉर्ट एंड माय पैकेज. क्लियर. फंक्शन में भी हमने ऐसे ही देखा था, वैसे डिफाइन करना है. तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये अपने पूरे पैकेज को डिफाइन कर लिया. अब हम क्या करेंगे, इस पैकेज को वर्क लाइब्रेरी में डिफाइन करेंगे. तो यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी मेन कोड में अब जब हम इसे यूज करेंगे तो हम लिखेंगे यूज वर्क डॉट माई अंडर स्कोर पैकेज डॉट ऑल. ओके अब जब भी आप शॉर्ट को डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले मेन कोड के माई पैकेज लाइब्रेरी में जाएगा, सर्च होगा, वहां आपने डिफाइन कर रखा है माई पैकेज को, आपने यहाँ पूरा अच्छे तरीके से डिफाइन कर रखा है और ये बता रखा है कि शॉर्ट क्या है, क्या वो कर रहा है. ओके सो देखिए एंटिटी मिनिमम मैक्स इज जेनरिक इंटीजर 255, पोर्ट इनेबल इनपुट वन इनपुट टू, मिनिमम आउट मैक्सिमम आउट, एंटिटी आपने डिफाइन कर दी. देन आपने आर्किटेक्चर डिफाइन किया. तो जब आप आर्किटेक्चर में गए देन माय आर्किटेक्चर ऑफ मिन मैक्स इज, आर्किटेक्चर को बिगिन करेंगे, प्रोसेस किसको कर रहे हैं इनेबल को, देन बिगिन करेंगे और कंडीशन चेक करेंगे इनेबल की, इफ इनेबल इक्वल टू वन देन शॉर्ट इनपुट वन इनपुट टू मिनिमम आउट मैक्सिमम आउट शॉर्टिंग एंड इफ एंड प्रोसेस एंड माय आर्किटेक्चर. ओके तो ये हमने देखा कि कैसे हम प्रोसीजर को मेन कोड में डिफाइन करेंगे और कैसे हम प्रोसीजर को पैकेज के अंदर डिफाइन करेंगे. नाउ फंक्शन और प्रोसीजर को हमने पढ़ा, फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोसीजर को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये हमने देखा. कुछ चेंजेस, कुछ डिफरेंसेस जो हैं दोनों में उन्हें देख लेते हैं. यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फंक्शन और प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है या क्या सेम है. सो फंक्शन हैज जीरो और मोर इनपुट पैरामीटर्स एंड अ सिंगल रिटर्न वैल्यू. सो फंक्शन एक सिंगल रिटर्न वैल्यू देगा. द इनपुट पैरामीटर्स कैन ओनली बी कॉन्स्टेंट और सिग्नल्स. वेरिएबल्स आर नॉट अलाउड इन द केस ऑफ फंक्शन, बट इन द केस ऑफ प्रोसीजर इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ इन आउट एंड इन आउट पैरामीटर्स and which can be signals, variable and constant.
वो सिग्नल भी हो सकते हैं, वो वेरिएबल भी हो सकते हैं, वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं, और प्रोसीजर के केस में कितने भी नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट्स हो सकते हैं। फॉर इनपुट पैरामीटर्स द डिफॉल्ट इज कांस्टेंट एंड फॉर आउटपुट पैरामीटर्स द डिफॉल्ट इज वेरिएबल इन द केस ऑफ प्रोसीजर। अ फंक्शन इज कॉल्ड एज पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन व्हाइल प्रोसीजर इज अ स्टेटमेंट ऑन इट्स ओन। ओके, इन बोथ केसेस इन फंक्शन एंड प्रोसीजर वेट एंड कंपोनेंट्स आर नॉट सिंथेसाइजेबल। ओके, सो आज हमने प्रोसीजर को कैसे यूज करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, प्रोसीजर बॉडी क्या होती है, विद द हेल्प ऑफ शॉर्टिंग एग्जांपल हमने ये समझा, शॉर्ट को हमने मेन कोड में कैसे डिफाइन किया, प्रोसीजर को हमने जिसका नाम था शॉर्ट उसको हमने पैकेज के अंदर कैसे डिफाइन किया, कैसे एक वर्क लाइब्रेरी में अपना पैकेज डिफाइन करा, ये सब हमने पढ़ा। ओके, तो हमने देखा कि कैसे हम उसको मेन कोड में डिफाइन करते हैं, कैसे हम उसको पैकेज में डिफाइन करते हैं, तो वही है यहाँ पे कि लोकेशन जो है फंक्शन और प्रोसीजर की सेम है, दे कैन बी प्लेस्ड इन अ पैकेज और दे कैन बी लोकेटेड इन द मेन कोड। ओके, आइदर इनसाइड द आर्किटेक्चर और इनसाइड द एंटिटी, बट जब भी हम उसको पैकेज में डिफाइन करेंगे फंक्शन को या प्रोसीजर को, सो पैकेज बॉडी इज नेसेसरी। सो हमें पैकेज बॉडी को जरूर डिफाइन करना है एंड इट शुड कंटेन द बॉडी ऑफ ईच फंक्शन और प्रोसीजर डिक्लेयर्ड इन द पैकेज। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि आप फंक्शन को डिक्लेयर करें या प्रोसीजर को डिफाइन करें, पैकेज और पैकेज बॉडी दोनों को ही आपको शो करना होगा, डिफाइन करना होगा इन द केस ऑफ फंक्शन एंड प्रोसीजर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एसर्ट। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जब भी सिमुलेशन हो रहा है और अगर कोई प्रॉब्लम आई, लाइक जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पर जो एग्जांपल है वो है ए टिक लेंथ इक्वल टू बी टिक लेंथ। सो अगर दो इनपुट्स हैं और उनकी लेंथ सेम नहीं है और अगर आप उनको सेम कहीं डिफाइन कर रहे हैं या कंसिडर कर रहे हैं, तो सिमुलेशन के टाइम पे आपको अगर एरर दे रहा है तो उसे कैसे डिफाइन करना है या वो कैसे डिस्प्ले होता है। ओके, सो एसर्ट इज अ नॉन सिंथेसाइजेबल स्टेटमेंट, ये सिंथेसाइज नहीं किया जाता, इट इज फॉर सिमुलेशन ओनली, whose purpose is to write out messages when problems are found during simulation. Okay, so जब भी simulation की simulation में कोई problem होगी तब हम इस statement को use कर सकते हैं उस error को define करने के लिए, उस error को display करने के लिए screen पे। Okay, so depending on the severity of the problem, the simulator is instructed to halt. Okay, syntax क्या है, assert condition report message severity label। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दो इनपुट कोई मैं ए और बी ले रहा हूँ और उनकी लेंथ को मैंने कंपेयर किया और बाई चांस वो उनकी लेंथ सेम नहीं है, उन दो वेक्टर्स यहाँ डिफाइन किए गए हैं, उन दोनों वेक्टर्स की लेंथ सेम नहीं है, सो एसर्ट ए टिक लेंथ इक्वल टू बी टिक लेंथ, रिपोर्ट एरर वेक्टर डू नॉट हैव सेम लेंथ। तो मैसेज जो डिस्प्ले होना चाहिए अगर ऐसा नहीं है तो देन सेवर्टी फेलियर। ओके, तो ये स्टेटमेंट यूज किया जाता है एरर को रिप्रेजेंट करने के लिए एट द टाइम ऑफ सिमुलेशन। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो वो ये मैसेज डिस्प्ले करे, एरर वेक्टर्स डू नॉट हैव द सेम लेंथ। ओके, सो आज के लेक्चर में हमने प्रोसीजर के बारे में डिटेल में पढ़ा, हमने फंक्शन और प्रोसीजर में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेज हैं हमने ये देखा, और लास्ट में हमने पढ़ा एसर्ट के बारे में। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।